गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका सत्य केतु की ऑनलाइन लाइव क्लासेज में। सबसे पहले इस क्लास में हम जो कल टेस्ट पेपर हुआ था, ठीक है ना, उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। ठीक है, कल जो टेस्ट पेपर हुआ उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और उसके बाद आपका सोमवार से, मैंने आपको बता ही दिया है, सोमवार से आपकी मैथ्स की क्लास एक घंटे डेली टेस्ट पेपर सॉल्यूशन हो ही रहा है। और टेस्ट पेपर सॉल्यूशन जीके साइंस में भी करवाया जाएगा, हालांकि वही टेस्ट पेपर होगा जिसका सॉल्यूशन, हालांकि आंसर आपके जो है वो ऐप में आपको मिल जाते हैं टेस्ट देते हो तभी, लेकिन उसको और इलेबरेट करके कुछ और उसके बारे में, भाई एक नारा आपको कुछ है भाई तो उसके बारे में पाँच चीज और बताना करना उसको, और पेपर को का डिटेल्ड आपको जानकारी देंगे, उस पर डिस्कस करेंगे ताकि कुछ ना कुछ आपकी चीजें रिवाइज होती रहें। तो सोमवार से आपकी जो मैथ्स की क्लास है वो अभी मेरी 12 से एक चल रही है भैया, सोमवार से वो मेरी हो जाएगी 12:15 से 1:15, याद रखें टाइम टेबल वो अपना शेयर कर दिया जाएगा। मैथ्स की मेरी क्लास मंडे से, कल तो ऑफ है, मंडे से सोमवार से 12:15 11:45 से 12:45 तक मेरी क्लास होगी बच्चों। ठीक है, सोमवार को मेरी 11:45 से 12:45 क्लास होगी, 15 मिनट का ब्रेक होगा, फिर 1 से 2 एक घंटे की जीके प्लस साइंस दोनों की एक घंटे की क्लास वो भी आपके चलेगी, ताकि आपका जीके साइंस भी थोड़ा क्लियर होता रहे। ठीक है, आप लोगों की मांग थी भी जीके साइंस, और एग्जाम आएगा तब इनका टाइमिंग और बढ़ा दिया जाएगा, निश्चिंत रहे। अब ये प्रश्न है भैया, इस टाइप का मैंने कराया नहीं है, लेकिन पहली बार सवाल है, ठीक है ना, लेकिन है इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें मैं बता देता हूं, हालांकि इसके बारे में मैंने पढ़ाया नहीं था आपको, लेकिन अभी ये बता रहा हूं, इसको ध्यान दे दें आप, कुछ सवाल इंपॉर्टेंट दिखते हैं मैं बाद में डाल देता हूं। भैया एक व्रत है, व्रत पर अगर एक बिंदु है, बिंदु से व्रत पर दो रेखाएं आ रही है, पी ए और पी बी, ये ए है ये बी है, यहां है ना, ये पी है ये सी है और ये डी है। तो बेटा इसमें क्या होता है, एक सूत्र होता है सीधा, पी ए पूरा इंटू पी बी, कौन सा, पूरे की लंबाई गुणा इस छोटे वाले की लंबाई, बराबर होता है पूरे की लंबाई इंटू छोटे वाले की लंबाई, ये सीधा सूत्र होता है ज्यामिति में, पी सी इंटू पी डी, ये याद रखें। ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, ये इसके, ये जो सूत्र है इसके बारे में अभी इस सवाल में आया तभी मैं बता रहा हूं, कि अगर एक व्रत है और किसी बाह्य बिंदु से उसको प्रतिच्छेद करके, प्रतिच्छेद मतलब काट के दो बिंदुएं, अगर दो रेखाएं अगर इस तरीके से है, तो पी ए पूरी लंबाई इंटू पी बी बराबर होता है पी सी पूरी लंबाई इंटू पी डी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, पी ए या ए पी कितना है 8 इंटू पी बी, पी बी हमें ज्ञात करना है x बराबर पी सी 7 इंटू पी डी, पी डी दिया हुआ है 4, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये 8 गुणा में भाग में आ जाएगा, 7 इंटू 4/8, एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, 4 से इसका 7/2 तो आ जाएगा 3.5, एक्स कितना आ जाएगा 3.5। तो याद रखें अगर एक व्रत है, व्रत के किसी बाह्य बिंदु से इस तरीके से दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी होता है बच्चों। ठीक है, ये चीज याद रखें इसको। अब अगला प्रश्न है भैया त्रिकोणमिति का, ऊंचाई दूरी का सवाल है। प्रश्न है बच्चों, एक वायुयान पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, एक वायुयान है हवाई जहाज है, वो कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है बच्चों, 1500 मीटर की ऊंचाई पर। यदि उस समय हवाई अड्डा से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात करें। हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, ज्यादा इसकी माता फोड़ी में नहीं जाना है। विमान की ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा सीधी होती 90 डिग्री पे, ये ऊंचाई हमें दे दी 1500 मीटर, ऊंचाई हमें कितनी दे दी बच्चों, 1500 मीटर। ये यहां वायुयान है, ये यहां विमान है, वायुयान है, यहां हवाई अड्डा, ये यहां है, यहां से इसका उन्नयन कोण जो है वो थीटा कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। पूछा क्या हवाई अड्डे से विमान की सीधी दूरी,
इसको हमने एक्स मान लिया, ये हमें पूछा है, मतलब ये क्या है बच्चों, कर्ण। हम सभी जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी भुजा होती है बच्चों, कर्ण, और ये भुजा कौन सी है, लंब। तो इसने क्या किया बच्चों, कह रहा है एक विमान जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है, 1500 मीटर की ऊंचाई पर एक विमान उड़ रहा है, ठीक है भैया लिख दिया 1500। कह रहा हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री लिख दिया। कह रहा हवाई अड्डे से विमान की सीधी दूरी, मतलब ये कर्ण पूछा है हमें, लंब देके कर्ण पूछा है, तो लाल बटा कक्का से आप बताएं कौन सा अनुपात लेंगे बच्चों, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, एल अपॉन के अर्थात लंब बटा कर्ण। भाई साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमें लंब देके कर्ण पूछा है, तो वो अनुपात लेना जिसमें लंब और कर्ण हो, तो लंब और कर्ण का अनुपात कौन सा होता है, साइन थीटा। साइन का साइन, थीटा 60 बराबर लंब कितना है 150 बटा कर्ण, कर्ण का मान नहीं पता, एक साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, ये आपको थीटा की टेबल याद होनी चाहिए, बराबर 1500/x। दो भिन्न संख्याएं बराबर होती तो भैया वज्र गुणा होता है, करते हैं इसको √3 × x बराबर 1500 × 2, √3 × x बराबर 3000, तो x क्या आ जाएगा 3000/√3। अब ध्यान दें 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, ठीक है, इसको मैं यहां साइड में हल कर देता हूं बेटा, इसको मैं यहां साइड में हल करता हूं भाई, 3 कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या, जैसे 3000/√3 है, ध्यान से समझना, तो 3000 को क्या लिख सकता हूं, 3 × 1000/√3 ये लिख सकता हूं भाई, 3000/√3 है, 3000 को क्या लिख सकता हूं, 3 × 1000। अब 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3 × √3, किसी भी संख्या को √3 × √3, जैसे 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 × √5, 7 है तो उसको √7 × √7 लिख सकते हैं, × 1000 है ये, √3, √3 से √3 कट गया, उत्तर कितना आया आपके 1000/√3, ये आपका आंसर आ गया, आंसर कितना आया बच्चों 1000/√3, 1000/√3। याद रखें जैसे 5 को लिख सकते हैं √5 × √5, 7 को लिख सकते हैं √7 × √7, तो 3 को हमने क्या लिखा बच्चों, √3 है, 3 को हमने क्या लिखा √3 × √3, बटे में √3 है ये, √3 से √3 चला गया, तो ये हो गया 1000/√3 मीटर, आंसर कितना आ गया 1000/√3 मीटर। पिछले में मैं फिर बताता हूं, मतलब हम जैसे 5 है उसको लिख सकते हैं √5 × √5, 3 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं √3 × √3, 4 है मतलब या 7 है तो 7 को क्या लिख सकते हैं √7 × √7, वही किया था, तो 3 को हमने क्या लिखा था √3 × √3, तो √3 से √3 कट गया था, तो उत्तर आ गया था 1000/√3, ठीक है। चलिए अब ये सवाल है, प्रश्न है बच्चों, सेक थीटा की घात 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ ये निशा एक बच्ची पूछ रही है, √3 × √3 क्यों लिया, ये लेते हैं बेटा, कारण क्या है, अगर आप √3 × √3 करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा, और मैंने बताया वर्ग वर्गमूल दोनों होते हैं, तो दोनों हटके 3 आता है कि नहीं आता है बच्चों, तो अगर आप √3 × √3 करोगे तो 3 ही आएगा, क्योंकि रूट है, रूट का वर्ग आएगा तो 3 आएगा, जैसे √5 × √5 करोगे तो क्या होगा, जैसे √5 × √5, ठीक है बेटा, तो √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब वर्ग वर्गमूल दोनों है तो दोनों हटके संख्या आ जाएगी 5, समझ आ रही बात ये, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप ये सीधा याद रखो, तो 3 को √3 × √3 लिखा, नीचे √3 है √3 से √3 कट गया, तो 1000 × √3 हो गया, ठीक है।
चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं भैया, तो आप तो इसको सीधा रट लें। अब यहां sec थीटा की घात 4 माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो दोनों में sec स्क्वायर कॉमन ले लिया भैया। अब यहां sec 4 बार है, दो बार कॉमन रहा, पीछे कितना रहा, दो बार रहा माइनस, यहां से sec स्क्वायर थीटा में sec स्क्वायर थीटा पूरा कॉमन ले लिया, कॉमन लेते हैं पीछे कुछ नहीं रहता, गुणा में कितना मानते हैं, शेष कितना रहा एक। भैया यहां sec की घात 4 है, यहां sec की घात 2 है, sec की घात 2 कॉमन ले लिया, तो 4 में से 2 चला गया पीछे, 2 रहा sec स्क्वायर थीटा, माइनस sec स्क्वायर थीटा कॉमन लिया हुआ है पीछे कितना रहा एक, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें भैया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, एक सूत्र होता है, अब वो सूत्र लो जिसमें sec और 1 दोनों हो, तो भैया एक सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों sec स्क्वायर थीटा, एक प्लस का इधर आया माइनस का, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस एक, ठीक है, आप इसको देखें आप, तो मैं क्या कर सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस एक की जगह कितना लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा। आप इसको वापिस समझें भाई, सीधा सूत्र, सूत्र याद होने चाहिए आपको, सूत्र क्या है, एक प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है sec स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस एक, तो एक प्लस का उधर गया माइनस का, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों sec स्क्वायर थीटा माइनस एक, sec स्क्वायर थीटा माइनस एक की जगह मैं कितना लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा। अभी सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये क्यों लिया, क्योंकि इसमें एक भी है sec स्क्वायर थीटा भी, एक प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर है, अब वो sec स्क्वायर माइनस एक, एक प्लस का इधर है माइनस का, इधर केवल tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस एक, इसकी जगह मैं tan स्क्वायर लिख दिया, तो sec स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर इंटू इसकी जगह लिख दिया tan स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा किसका उल्टा होता है बेटा, लाल बटा कक्का से आपको ये याद होने चाहिए भैया सूत्र, sec थीटा उल्टा होता है cos का, तो sec थीटा की जगह लिख सकते हैं हम एक बटा cos थीटा, तो sec को लिख दिया बच्चों हमने एक बटा cos, और स्क्वायर है sec स्क्वायर थीटा, ये भी cos स्क्वायर थीटा इंटू। अब tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan का भी मैंने आपको सूत्र बताया हुआ है कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये आपको बताया हुआ है भैया, tan थीटा क्या होता है sin बटा cos, तो यहां स्क्वायर है ये भी स्क्वायर में आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। अच्छा इसमें आंसर क्या, ऑप्शन में क्या दे रखा उसके हिसाब से आंसर निकलेगा इसमें भाई, sec स्क्वायर की जगह हम ले सकते हैं, एक सेकंड है ना, तो इसमें हम इसको अगर tan के रूप में लिखें 1 प्लस tan, और ये एक सेकंड, इसमें ऑप्शन के हिसाब से लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि आप इसको किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। ऑप्शन आपके इसमें दे रखा है, सवाल संख्या तीसरा है चौथा है, tan के रूप में है तो इसको tan के रूप में बदलना पड़ेगा भाई, हमें एक चीज यहां ध्यान देनी है कि मैं sin cos में बदल रहा था, लेकिन अपना आंसर अगर आपने देखा हो तो tan के रूप में है, ठीक है ना, तो हम इसको tan के रूप में हमें ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो tan के रूप में ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, सुने ध्यान दें इन सवालों में, एक चीज विशेष ध्यान देने कि इनको भैया जो सवाल में पूछ रहा उसी हिसाब से करना है, ठीक है ना, तो ध्यान दें आप, साइन में बदलने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने किया ये गलत नहीं है, लेकिन आंसर के हिसाब से ऑप्शन में क्या कह रहा उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान दें इस सवाल को, यहां तक तो सेम है, यहां तक तो सेम है भाई, वापस समझ लें इसको शुरुआत से ही, चलो मैं इसको शुरुआत से समझाता हूं, ये तो हमें पता है sec की घात 4 थीटा, sec की घात 4 है और यहां sec की घात 2 है, तो sec स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो 4 में से 2 कॉमन रहा पीछे sec स्क्वायर रहा 2 माइनस, अब sec स्क्वायर में से sec स्क्वायर कॉमन गया पीछे कुछ नहीं, तो 1 लिखते हैं, 1 लिख दिया,
अब यहां से देखें, एक सूत्र एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां अंदर क्या है, सेक स्क्वायर माइनस एक, तो ये एक प्लस का इधर आया माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर की जगह भी क्या लिख सकते हैं बच्चों, या अभी सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर थीटा लिखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह हम क्या लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऑप्शन में टेन के रूप में दे रखा मान, तो हमें टेन में बदलना पड़ेगा। तो मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब मैं सेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा है ये। अब गुणा करो, अब एक को टेन स्क्वायर से गुणा करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा, अब टेन स्क्वायर को स्क्वायर से गुणा करोगे तो यहां घात दो है, यहां घात दो है, गुणा में घातें जुड़ती है, दो और दो घातें कितनी हो जाएगी चार, तो टेन की घात चार थीटा, ये आंसर होगा टेन के रूप में बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन की घात दो थीटा प्लस टेन की घात चार थीटा। समझ आ रही बात ये, भाई मैं फिर बता देता हूं, यहां घात चार थी यहां दो थी, तो दो मैंने कॉमन ले लिया सेक स्क्वायर थीटा, यहां रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहां कुछ नहीं तो एक सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक है तो क्या कौन सा सूत्र लेंगे, एक प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, एक प्लस का इधर है माइनस का, तो सेक स्क्वायर माइनस एक हो गया टेन स्क्वायर थीटा, मैंने इसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक की जगह लिख दिया एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक प्लस टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर से गुणा करना है, तो एक को टेन स्क्वायर से गुणा करोगे तो वही टेन स्क्वायर आएगा, टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर से, यहां घात दो और यहां घात दो है, गुणा करोगे तो घातें जुड़ेगी, तो टेन का टेन घातें दो दो चार हो जाएगी। अगला सवाल देखिए बेटा, अब ये प्रश्न इस टाइप का सवाल, 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगेगा इसमें, 90 माइनस थीटा वाले। अब टेन चार और टेन तैयारी, टेन सैतालीस टेन छियासी, भैया ध्यान दो जिनका योग 90 हो रहा उनमें से एक को बदलना है, जैसे टेन चार है और टेन छियासी दोनों को नहीं बदलना है, दोनों में से एक को, उसी प्रकार इन दोनों में से भी एक को बदलेंगे। ये टेन से तैयारीस है, ये सैंतालीस, दोनों का योग 90 हो रहा है ना, जिन दो कोणों का योग 90 होता है उनमें से एक को बदलना है, ये टेन छियासी है ये टेन चार है, दोनों में से एक को बदलते हैं ठीक है, और टेन तैयारीस है और टेन सैंतालीस है, दोनों में से एक को बदलते हैं। मैं साइड में यहां बदल देता हूं भैया, जैसे टेन मैंने एक सूत्र इसमें कौन सा लगेगा वो मैं बता देता हूं कि भैया टेन 90 माइनस थीटा लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा भैया कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन किस में बदलता है कॉट में, टेन 90 माइनस थीटा आता है कॉट थीटा, तो टेन का टेन 90 माइनस, जैसे मैं पहले को बदल देता हूं भाई, मैं इन शुरुआत वाले दो को बदल देता हूं, टेन छियासी और टेन चार दोनों का योग 90, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, जिन दो कोणों का योग 90 होता है उन दोनों में से एक को बदलना है, टेन छियासी टेन चार दोनों में से एक को बदला, टेन चार को बदलता हूं मैं ठीक है ना, तो टेन चार को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन चार जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं टेन, अब चार को 90 माइनस क्या लिखूंगा बच्चों छियासी, 90 में से कितना घटाएंगे तो चार आएगा बच्चों छियासी, तो टेन चार को लिख देंगे टेन 90 माइनस छियासी। अब टेन 90 माइनस थीटा ये है तो किस में बदल जाएगा कॉट थीटा, कितना है छियासी, थीटा कितना है बच्चों छियासी, भाई टेन चार है तो टेन का टेन चार को 90 माइनस लिखूंगा क्या लिखूंगा बच्चों 90 माइनस छियासी, 90 में से छियासी घटाएंगे तभी चार आएगा, तो मैंने टेन चार को लिख दिया टेन 90 माइनस छियासी, टेन 90 माइनस होता है केस में बदल जाता है कॉट में कॉट लिख दिया, और ये जो थीटा जो घटाया वो लिख देते हैं, घटा कितना रहे छियासी, तो छियासी, तो टेन चार किस में बदल गया भैया कॉट छियासी में, तो टेन चार की जगह मैं लिख सकता हूं कॉट छियासी ठीक है। अब टेन छियासी और टेन चार इन दोनों कोणों का योग 90 होता है, छियासी चार का एक को बदल दिया, अब छियासी को नहीं बदलना है, अब यहां टेन तैयारीस और टेन सैंतालीस इन दोनों में से भी एक को बदलना है, जिन दो का योग 90 होता है उन दोनों को नहीं बदलना है बेटा, दोनों में से एक को बदलना है। मैं टेन तैयारीस को बदल देता हूं, मान लो टेन तैयारीस को क्या लिख सकता हूं मैं, टेन 90 माइनस के रूप में, 90 माइनस
47। 10 43 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 90 माइनस 43, 90 में से अपना 47, 90 में से 47 घटाओगे तभी तो 43 आएगा बच्चों। तो 10 90 माइनस है तो वो किसमें बदल गया, कॉट में। थीटा कितना है 47, कॉट 47, इसकी जगह मैंने लिख दिया इंटू, चिन्ह नहीं दिया होता चिन्ह गुणा का मानते हैं, कॉट 47। भाई टेन 4 और टेन 86 का योग 90, दोनों में से एक को बदलना, टेन 4 को बदला तो ये आ गया कॉट 86। टेन 43 और टेन 47, 43 और 47 का योग 90, दोनों में से एक को बदला कॉट 47 इंटू टेन 47 है ये, इंटू टेन 86 है। अब मैंने एक सूत्र बताया बच्चों कि कॉट थीटा किसका उल्टा होता है बच्चों, टेन थीटा का। भैया टेन का उल्टा कॉट है, कॉट का उल्टा टेन है, ये आपको लाल बटा कक्का से मैंने बताया हुआ है। तो इन कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10 86, कॉट 86 उसको 1/10, क्योंकि कॉट क्या होता है 1/10। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, घर पे इनको प्रैक्टिस करो, जिनको याद नहीं हो रहे हैं सवाल समझ नहीं आ रहे सूत्र रट के घर पे इनको कंपेयर करो, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भेजते ही हम लोग। कॉट 47 है उसको लिख दो कि 1/10 47 इंटू 10 47 इंटू 10 86, 10 47 से 10 47 गया, 10 86 से 10 86 गया, उत्तर आपके कितना आ गया बच्चों, 1। सामान्यतः इनका उत्तर 1 या 0 ही आता है, उत्तर आ गया 1। तो भैया चारों को नहीं बदलना है, जिनका योग 90 उन दो में से किसी एक को बदलना है। फिर समझे इसको, 10 4 और 10 86 दोनों का योग 90, दोनों में से एक को बदलना है। तो मैंने अच्छा सूत्र क्या लगेगा इसमें, 10 में 10 90 माइनस थीटा होता है तो वो कॉट थीटा। 10 4 को बदला, 4 को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 86, 90 माइनस है तो कॉट में बदल गया, थीटा क्या घटा रहे वो आ जाता, घटा 86 रहे 86, कॉट 86। तो 10 4 बराबर कॉट 86। अब 10 43 और 47 दोनों का योग 90 होता है, दोनों में से एक को बदलो, 10 43 को बदला, 90 माइनस 47 लिखेंगे तो वो हो जाएगा कॉट थीटा, घटा कितने रहे 47 लिख दिया। अब कॉट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा, तो कॉट 86 लिख दिया 1/10 86, कॉट 47 को लिख दिया 1/10 47, बाकी वैसा वैसा 10 47 से 10 47 कट गया, 10 86 से 10 86 कट गया, उत्तर आ गया आपके 1। आसान लेकिन अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, हमें पता है ये सूत्र तो आसान ही है, साइन किस में बदलता है, कॉस, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। मतलब उसमें क्या होता है, साइन कॉस बदलता है, कॉस साइन में, पहला दूसरे में, दूसरा पहले में, तीसरा चौथे में, चौथा तीसरे में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, पांचवा छठे में, छठा पांचवे में, सेक बदल जाएगा बच्चों कॉसेक में, कॉसेक बदल जाएगा सेक में। अब ये प्रश्न है, किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी करने पर उसके आयतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। भैया इसमें सूत्र याद होना चाहिए बेलन का, बेलन का सूत्र क्या होता है बच्चों, बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। बेलन जो है ये अलग टाइप का सवाल है बेटा, इसको समझना, मैं कुछ नए नए टाइप के सवाल भी टेस्ट पेपर में ऐड कर रहा हूं। एक बार जो सवाल टेस्ट पेपर में दे दिया, भले ही टेस्ट में गलत हो, लेकिन यहां से सॉल्यूशन आप सीखने के बाद ये प्रयास करना है कि अगर एग्जाम में इस टाइप का सवाल आए तो भैया उसको गलत नहीं होने देना है, ठीक है। यहां गलती होती तो कोई बात नहीं, यहां तो मैं देते ही जानबूझ के ऐसे सवाल हूं जिससे आप कुछ नया सीखें। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो त्रिज्या का स्क्वायर है, त्रिज्या दो बार है इंटू एच, तो कह रहा त्रिज्या में 10% की वृद्धि और त्रिज्या का स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो भैया 10 की वृद्धि 110 इंटू 110 इंटू ऊंचाई में 20% की कमी, ऊंचाई 20% की कमी तो 100 - 20 कितना ले लेंगे 80, ऊंचाई एक बार ही, यहां क्या है बच्चों पाई आर का स्क्वायर है, आर दो बार लेंगे, 10% की वृद्धि आर दो बार लेंगे, 110 इंटू 110, समझ आ रही बात। ये आयतन जो सूत्र है उस सूत्र को पकड़ो, बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, तो भैया त्रिज्या में 10% की वृद्धि तो त्रिज्या 110 हो गई, आर का स्क्वायर है 110 का स्क्वायर लेंगे, 110 इंटू 110
इंटू ऊंचाई में 20% की कमी, 100 माइनस 20 ऊंचाई लेंगे 80, बटे में 100 इंटू 100 ले लेंगे, ठीक है, माइनस 100 लेना ही, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, 11 इंटू 11 121 इंटू 8 बटे 10 माइनस 100, अब तो हो ही जाना, ये गुणा कर दो इसको, 8 आठ आठ दून 16 छगो ऐसे लगी, 1 8 1 9 8 9 बटे 10 माइनस 100, 96.8 माइनस 100, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3.2% माइनस का आएगा, क्योंकि बेटा छिन्नू आ रहा है, छिन्नू में 100 घटाओगे तो माइनस का 3, मतलब क्या हो जाएगी, कमी, कि 3.22% की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखें, यहां स्क्वायर है, स्क्वायर है तो दो बार लेना, ये अलग टाइप का सवाल है बेटा, ध्यान देना, इस टाइप का सवाल आपको पहली बार दिया। बेलन का आयतन का सूत्र होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या में 10% की वृद्धि, तो 100 मानते हैं, 100 + 10 = 110, स्क्वायर है तो त्रिज्या दो बार लेनी है बेटा। आयत, इस टाइप के सवाल मैंने प्रतिशत में आयत और वर्ग के तो कराए थे, कि लंबाई में 10% की वृद्धि तो लंबाई 110 ले लेते, चौड़ाई में 10% की कमी, चौड़ाई में जैसे 10 घटा लेते थे, लंबाई चौड़ाई वो एक एक बार लेते थे, लेकिन जैसे भुजा का स्क्वायर आयत वर्ग वाले में क्या करते थे, भुजा दो बार लेते थे, वैसे त्रिज्या में 10% की वृद्धि, त्रिज्या 110, आर स्क्वायर 110 × 110, ऊंचाई 20% की कमी, तो 100 - 20 = 80 बटा 100 × 100 माइनस 100 किया, माइनस में आ रहा है इसलिए कमी होगी, 3.2% की कमी। अच्छा सवाल था, अब ये प्रश्न है क्षेत्रफल आयतन का, क्षेत्रफल आयतन अपने को करवाई दिया, आपको एक बार करा दिया और वापस रिवीजन में भी कराया है, आसान सवाल है बेटा। एक वृत्ताकार तार है, वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार, वृत्त मतलब किस आकार का, चूड़ी के आकार का या पहिए का आकार का वृत्ताकार तार, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है बच्चों, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, एक वृत्ताकार तार है, इसको मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आप इसको व्यवहारिक समझें, वृत्ताकार तार है, तार की लंबाई क्या होगी, उसकी परिधि, तार की लंबाई बराबर क्या होगी, उसकी परिधि, भाई बाकी सब मैं तो परिमाप कहते हैं, परि मतलब चारों और माप मतलब मापना, तार बंदी की लंबाई, दीवारों की लंबाई, ये क्या होता है, परिमाप, समझ रहे हैं बात को, और व्रत की स्थिति में हम उसको क्या कहते हैं, परिधि, आप सभी धावक रह चुके हैं, 400 मीटर का ट्रैक कहते हो तो वो क्या, उसकी परिधि, तो 400 मीटर का ट्रैक मतलब क्या हुआ, परिधि हुई, परिधि मतलब जहां से रवाना हुए पूरे राउंड लेके वापस वहां तक आने में तय दूरी, तो भैया वृत्ताकार है ये, यहां से लेके यहां तक की दूरी मतलब क्या निकालनी, परिधि, तो तार की जो लंबाई है वो बराबर क्या हो जाएगा, परिधि, वो बराबर कितना है, 2πr, ठीक है ना। अब इस यहां से अपने इसमें आए त्रिज्या का मान रख दो, आर का 2 × π का मान 22/7 इंटू आर त्रिज्या 14, 7 का भाग 14 में 2 बार, 22 × 44, 44 × 88 सेंटीमीटर, जो वृत्त की परिधि है, वृत्ताकार तार है, उसकी त्रिज्या 14, जिसकी परिधि निकाल दी वही तो वृत्ताकार तार की लंबाई होगी, अब वृत्ताकार तार की लंबाई है आगे 88 सेंटीमीटर, तो जो वृत्त की परिधि है, व्रत की जो परिधि है बच्चों वो किसके बराबर होगा, इसी तार से तो ये वर्ग बना रहे हैं, तो वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा कि नहीं होगा भैया, वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं इन चारों भुजाओं की लंबाई का योग करेंगे तो इस व्रत की परिधि की लंबाई के बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा, व्रत की परिधि कितनी है, 88 बराबर, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 है, 4 गुणा में भाग में आया बराबर a, a कितना आ गया आपको प्राप्त हो गया बच्चों, 22। क्षेत्रफल पूछना है,
क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर 22 का स्क्वायर, 22 × 22 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रही बात, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया व्रत है, व्रत की त्रिज्या 14 दी है, तो इस तार की लंबाई क्या होगी व्रत की परिधि के बराबर, व्रत की परिधि से तो 2πr मान रख के हल किया 88 सेंटीमीटर। अब इसी वृत्ताकार तार से हम वर्ग बना रहे हैं, तो वर्ग का परिमाप इसके बराबर होगा, व्रत की परिधि के बराबर ही होगा परिमाप। अब व्रत की परिधि 88 बराबर वर्ग का परिमाप a+a+a 4a होता है, a बराबर आ गया 88/4 22, तो क्षेत्रफल a स्क्वायर वर्ग का भुजा स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484। आसान लेकिन अच्छा कंसेप्चुअल सवाल था। रेलगाड़ी आई भैया, कह रहा है एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड, इसमें सीधी ट्रिक बताइए इस टाइप के सवाल, और 300 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, यह प्रश्न पूछा हमें। इसमें सीधी ट्रिक बता रखी है बच्चों, 180 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी है उसको पार कर रहा है 15 सेकंड में, और जो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है उसको पार कर रहा है 20 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसकी मैंने आप लोगों को ट्रिक बता रखी है बच्चों कि वज्र गुणा का अंतर, अगर इस टाइप का सवाल है एक प्लेटफॉर्म या रेलगाड़ी को इतने में करती दूसरे को इतने में करती तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो वज्र गुणा का अंतर बटा समय का अंतर। ये ट्रिक याद नहीं है तो अभी रट लें भैया, हालांकि पहले मैंने बता रखी है। तो वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा, इन दोनों का गुणा 15 × 3 = 45, पीछे 2 × 0 = 4500 माइनस 18 × 2 = 36, पीछे 2 × 0 = 3600 बटा समय का अंतर 20 और 15 20 - 15, 4500 में से 3600 गया 900/5 180 मीटर। तो भैया ट्रेन की लंबाई आपको प्राप्त हो गई 180 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई बच्चों आपके 180 मीटर। तो ये ट्रिक याद रखें, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर होता है वज्र गुणा का अंतर बटा समय का अंतर। जो वज्र गुणा किसका, जो प्रश्न में दिया लिख दो 180 मीटर 15 सेकंड में, 300 मीटर 20 सेकंड में, इनके वज्र गुणांक अंतर बटा समय का अंतर करके आप हल करोगे तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको प्राप्त हो जाएगी बच्चों 180 मीटर। ठीक है, और अगर आपको रेलगाड़ी की चाल पूछे, मैं चाल का भी ट्रिक बता देता हूं, चाल का सूत्र क्या है मतलब ट्रिक क्या है बच्चों, इसमें रेलों की लंबाई का अंतर, रेलों की लंबाई का अंतर बटा समय का अंतर, रेलों की लंबाई का अंतर बटा समय का अंतर। रेलों की लंबाई कितनी बच्चों 300 और 180, तो 300 - 180 बटा समय का अंतर 20 - 15 120/5, ये आ गया 24 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है बच्चों तो हम इसको किससे गुणा करेंगे, 24 को मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे 18/5 से पॉइंट में आ जाएगा भले आने। तो मेरे ख्याल से सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये दोनों ट्रिकें याद रखनी है बच्चों। ठीक है, सीधा इस ट्रिक से आप लोग सवाल हल कर सकते हैं, केवल मान रख के गुणा भाग करना है। अभी प्रश्न है भैया समय चाल का, आपसे एग्जाम में भले ही सवाल यहां टेस्ट पेपर में सही नहीं होते हो, मान लो कुछ एक आध सवाल गलत होते हैं तो घबराना नहीं, इनको करो भैया प्रैक्टिस, रोज के एक दो सवाल सीखोगे तो भी महीने दो महीने में 100-150 नए टाइप के सवाल सीखोगे। इस सवाल का जवाब बताएं कमेंट बॉक्स में।
बोर्ड पे ध्यान दें। घर से स्कूल जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापिस आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो भैया मैंने इसमें बताया पहले औसत चाल निकालो, कोई गलती मत करियो, जाने और आने की चाल देता है तो यहां औसत चाल निकालना है। औसत चाल का मैंने आप लोगों को सूत्र बता रखा है बेटा, अगर आपको याद हो तो 2xy/x, पहले औसत चाल निकालनी है 2xy/x, 2 × 2 = 3 × 2, ठीक है, बटा 3 + 2। चाल क्या दे रखी, 3 और 2, रख दो x की जगह 3, y की जगह 2, ऊपर तो हो गया भैया 3 × 6 = 12, 12/5 ये आ गया 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी बराबर क्या होता है भैया, चाल इंटू समय। अब अपने पास औसत चाल निकल के आ गई 2.4 × समय कितना है 5 घंटे, गुणा किया 12.0 मतलब 12 किलोमीटर। क्या घर से जो है विद्यालय की दूरी, स्कूल की दूरी कितने किलोमीटर है बच्चों, 12 किलोमीटर, ठीक है, कितने किलोमीटर है बच्चों, 12 किलोमीटर, ठीक है। इससे आगे हमें हल करना है, हमें केवल औसत चाल नहीं निकालना है बेटा, औसत चाल निकालने के बाद हमें तो पूछा क्या, उसको ध्यान दो, घर से विद्यालय के बीच की दूरी, स्कूल से विद्यालय के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, तो दूरी है 2.4 × समय 5 घंटे दिया है, 2.4 × 5 करेंगे बच्चों 12 किलोमीटर आ जाएगा, है ना। यहां तक बिल्कुल 2.4 जो बच्चे बता रहे हैं वो सही है, लेकिन हमें दूरी पूछी है, तो दूरी होता है चाल इंटू समय, चाल 2.4, समय 5 घंटे। आयु वाला सवाल ये हम लगभग करते हैं डेली टेस्ट पेपर में, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, एग्जाम में भी आते हैं ये। कह रहा है पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितने वर्ष है भैया, 52 वर्ष। तो इसमें 52 वर्ष योग है ना, इस टाइप के सवाल में क्या करो, पुत्र की उम्र अगर एक्स होगी तो भैया पिता कितने साल का होगा, 52 − x इसी टाइप का होगा। ये दोनों की उम्र का योग 52 साल है, अगर एक जैसे पुत्र की उम्र हमने x मान ली तो दूसरे की उम्र कितनी होगी भैया, 52 − x, ठीक। कह रहा 14 वर्ष बाद, तो 14 वर्ष बाद मतलब क्या हुआ, आज अगर उम्र पुत्र की x है और पिता की है 52 − x, तो 14 वर्ष बाद मतलब 14 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, दोनों में 14 14 जुड़ जाएगा, आज उम्र पुत्र की x है, पिता की 52 − x, तो 14 साल बाद तो 14 जुड़ जाएगा दोनों में, x प्लस 14 हो जाएगा पुत्र की उम्र, और जो पिता की उम्र है वो है 52 − x, इसमें भी 14 जुड़ेगा बच्चों, 14 साल बाद तो दोनों में 14 14 जुड़ गया, ये तो x प्लस 14 ही रहेगा, ये क्या हो गया 52 और 14, ये हो गया 56 और 66 माइनस एक्स, ये 14 साल बाद दोनों की उम्र है। कह रहा है 14 साल बाद पिता की उम्र, जो पिता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना हो जाती, तो पिता की उम्र जो है 66 − x, ये जो पुत्र की उम्र है एक्स प्लस 14 इसकी 5 गुना, तो इंटू 5 भैया, दो पिता पुत्र उनकी उम्र का योग 52 साल, तो पुत्र की उम्र x मानी तो पिता की उम्र 52 − x। कह रहा 14 साल बाद तो दोनों में 14 14 जोड़ लो, तो x प्लस 14 ये हो गया, ये हो गया 52 − x + 14, तो 52 और 14 हो गए 66 66 − x, तो पिता की उम्र हो गई 66 − x, ये क्या कह रहा 14 साल बाद जो है ये पिता की उम्र 66 − x, ये पुत्र की उम्र की 5 गुना, पुत्र की उम्र x प्लस 14 इससे 5 गुना, इंटू 5। अब इसको हल करके x का मान निकाल लो, तो 66 − x = 5 × x + 14 = 70, x माइनस का इधर है प्लस का और 70 प्लस का है ये उधर जाएगा, तो माइनस का,
एक मिनट, माइनस में आ रहा है, एक बार वापस देख लेते हैं। यहां तक तो सही है, दोनों उम्र का योग 52 है तो ठीक है, 52 एक्स और एक्स, 52 माइनस एक्स, 14 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु को 5 गुना हो जाएगी। ठीक, इसको कर लेते हैं पहले। अब ये जो x माइनस का इधर आया प्लस का, और 70 प्लस का है वो उधर चला गया माइनस का, तो 66 माइनस एक्स बराबर, या इसको ऐसा करो आप, 66 माइनस 70 बराबर 5x प्लस एक्स। ठीक है, ये कितना हो गया, माइनस 4 बराबर 6x। पुत्र की वर्तमान आयु इसमें सेट नहीं हो रही है, 2 दोगे तो माइनस 2 बढ़ते हैं। प्रश्न तो कहीं गलत नहीं, एक बार रुके, यहां तक तो हम सही कर रहे हैं। 52 भाई पिता पुत्र की उम्र मान ली x और 52 माइनस x, 14 साल बाद तो दोनों 14 जोड़ लिया, दिया हो गया। पिता की उम्र क्या रहा है, 66 माइनस x हो गया, ये पुत्र की 5 गुना तो 5 से गुणा कर लिया, 5x और 14 72, ये भी सही है, ये 6x हो जाएगा, ये माइनस आएगा, ये भी सही है। एक मिनट रुके, क्या प्रश्न में भाषा तो सही दी इसने या गड़बड़ कर दी। यहां ये गड़बड़ हो गई भैया, ये इसमें मिसप्रिंट है, 4 वर्ष बाद कह रहा है यहां, माफ कीजिएगा, इसीलिए आंसर अलग आ रहा था, टाइपिंग मिस्टेक है। यहां 14 नहीं है, 4 वर्ष है, ये 14 नहीं है, 4 वर्ष है, तो हम वापस देख लेते हैं, 14 नहीं तो 4 है, तो 4 ले लेंगे यहां से, केवल गुणा भाग ही करना है, तभी इसमें आंसर सही नहीं आ रहा था। चलिए वापिस कर लेते हैं इसको शुरुआत से। कह रहा पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, तो भैया अगर पुत्र की उम्र x मानेंगे तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 52 माइनस x, दो जनों की उम्र का योग, अगर पिता पुत्र की उम्र का योग 52 वर्ष है तो पुत्र की उम्र मान लो x, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 52 माइनस x। अब कह रहा 4 वर्ष बाद, तो भैया 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र क्या हो जाएगी भैया, कि पुत्र की उम्र अगर आज x है तो 4 साल बाद हो जाएगी x प्लस 4, आज अगर पुत्र की उम्र x है 4 साल बाद x प्लस 4, और पिता की जो उम्र है आज अगर 52 माइनस x है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, प्लस 4। भाई पुत्र की उम्र आज x है, पिता की उम्र 52 माइनस x, तो 4 साल बाद दोनों 4 जोड़ लोगे, पुत्र की उम्र x प्लस 4, पिता की उम्र 52 माइनस x प्लस 4, 52 और 4 56 माइनस x, ये पिता की उम्र है, ये पुत्र की उम्र है। अब क्या कह रहा है, 4 साल बाद जो पिता की उम्र है वो पुत्र की कितनी हो जाएगी भैया, 5 गुना, तो पिता की उम्र कितनी, 56 माइनस एक्स बराबर, वो पुत्र की उम्र जो एक्स प्लस 4 है इसका 5 गुना होगी। ठीक है भैया, तो 56 माइनस एक्स बराबर 5x प्लस 4 5 20। अब x माइनस का इधर आया प्लस का, 20 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 56 माइनस 20 बराबर 5x माइनस प्लस एक्स, घटाया 36 बराबर 6x, 5x और x 6x, 6 गुणा में भाग में आया, 36 बटे 6, x कितना आ गया बच्चों आपके, 6, x 6 आ गया। यही हमें पूछा है, पुत्र की उम्र ही पूछी रहे भाई, हमने पुत्र की उम्र को क्या माना है, x, पुत्र की उम्र को हमने x माना है, और पुत्र की उम्र पूछी भैया, तो पुत्र की उम्र आगे 6, तो पुत्र की उम्र, ये आंसर हो गया भैया आपके 6 वर्ष। और अगर पिता की आयु पूछता तो पिता की आयु 52 माइनस एक्स, 52 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 46। ठीक है, तो ये करेक्ट
कर लेना, ये मिसप्रिंट था, सॉरी 14 नहीं था 4 था। हमेशा ध्यान देना माइनस में संख्या आए या अटपटी आए, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो हमने गड़बड़ करी या सवाल में गड़बड़ है। मैं वापिस बताता हूं, अच्छा सवाल है। पिता की उम्र, दो जनों की उम्र 52 वर्ष है, पुत्र की उम्र x मानी तो पिता की कितनी हो जाएगी 52 माइनस एक्स, 4 साल बाद तो दोनों में 4-4 जोड़ लिया, पुत्र की x प्लस 4, इसकी 52 माइनस x प्लस 4, 52 और 4 56 माइनस x, कह रहा 4 साल बाद जो पिता की उम्र है 56 माइनस x, ये पुत्र की 5 गुना, पुत्र की x प्लस 4 इसका 5 गुना इंटू 5, 56 माइनस x, 5 को x से किया 5x, 5 को 4 से किया 20, 20 प्लस का इधर आया माइनस का x, माइनस का इधर आया प्लस का, 56 में से 20 गया 36 बराबर 5x और x 6x, 6 गुणा में भाग में 36 बटा 6x आया 6, पिता की उम्र 52 माइनस x, 52 माइनस x मतलब 6 बराबर 46। अगला प्रश्न, ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है बच्चों। ए किसी काम को 8 दिन में और बी 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो बेटा ये तो हम जानते हैं, अगर ए 8 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य 1/8, और बी 12 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य 1/12, लसब दोनों का कितना आएगा 24, 8 का भाग 24 में 3 बार, 3 को 1 से किया 3 प्लस 12 का भाग इसमें 24, 2 बार 2 को 1 से किया 2, 5/24, ये एक दिन का काम है, तो समय कितना लगेगा एक दिन के कार्य का उल्टा 24/5, 5 का भाग गया 4 बार, 5×20, 24 में से 20 घटाए पीछे रहा 4, 4 से ही 4/5 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें भी सीधी ट्रिक है बच्चों, M1D1H1 बराबर M2D2H2, आसान सी ट्रिक है, मैंने बताया हुआ इसमें। M1D1H1 बराबर M2D2H2, M1 है 120 इंटू दिन 10 है घंटे 8, M यानी मनुष्य, मान लो मैन, डी यानी डे दिन, एच यानी 8 घंटे, 120 आदमी 10 दिन 8 घंटे बराबर 150 व्यक्ति, तो 150 इंटू दिन पूछा है तो एक्स घंटे 4, सीधा लिख दिया मान M1D1H1 बराबर M2D2H2, इसका ये मान इसमें इस तरफ लियो, 120 इंटू 10 इंटू 8 बटे 150 इंटू 4 बराबर केवल एक्स, काटा 30 से 30 का भाग दिया 4 बार, 30 का भाग दिया 5 बार, 4 से 4 कट गया, 5 का भाग दिया 10 में 2 बार, एक्स आ गया 16 दिन। काम कितने दिन में होगा भैया? 16 दिन। आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी आसान है भैया, तो कुछ शुरुआत वाले सवाल तो इस पेपर में बहुत अच्छे थे, बाकी सवाल आसान है। इसमें क्या होता है, मध्य पदों का गुणा, मध्य पदों का गुणा बराबर क्या होता है? बाह्य पदों का गुणा। बाहर वाले दोनों पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पदों का गुणा, तो 36 इंटू एक्स बराबर 81 इंटू 48, तो एक्स क्या हो जाएगा 81 इंटू 48 बटा 36, 9 का भाग दिया भैया 9 बार, 9 का भाग दिया 4 बार, 4 का भाग 48 में दिया 12, 12 में 108, ये इसका आंसर है। अभी प्रश्न है, इसमें हमें क्या पूछा है भैया? दर पूछी है, साधारण ब्याज के सूत्र में रखना हमें, मूलधन कितना दिया है 1500, 1500 रुपए की राशि मतलब मूलधन 1500, समय दिया है 3 वर्ष, ठीक है, और ब्याज दिया है साधारण ब्याज 180 रुपए, दर हमें पूछी है भैया, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है बच्चों? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, साधारण ब्याज
की जगह कितना लिख देंगे, 180 बराबर मूलधन 1500 इंटू दर नहीं पता x इंटू समय 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये गुणा में भाग में लिया 180 बटा 15 इंटू 3 बराबर x, 15 का भाग दिया इसमें एक बार पीछे 3 दो 12, 12 में 3 का भाग दिया 4, दर है तो प्रतिशत में आएंगे 4%। कुछ नहीं करना है, केवल साधारण ब्याज के सूत्र में रख दिया हमने, मूलधन की जगह मूलधन, दर की जगह दर, सॉरी मूलधन मूलधन, ब्याज की जगह ब्याज, दर ज्ञात करना x, समय की जगह 3 रख दिया बस, और हल कर दिया इसको। इस टाइप के सवाल हमने खूब किए हैं भैया। पूरा कोर्स पढ़ा है आपका यूट्यूब चैनल पे, सत्य केतु डिफेंस एकेडमी जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पे पूरा का पूरा कोर्स पढ़ा है, और जो रिवीजन कराया वो वीडियो भी, जीके साइंस मैथ सबके, तो आप लोग जरूर उन पे जाएं और पढ़ें। आप के भाई अब अभी आप सोचो सर अभी कोर्स नहीं करा रहे, अरे भैया वही चीजें हैं, उनके वीडियो पढ़े हैं, ठीक है ना, तो आप कभी भी जाके उन वीडियो संख्या 1 से लेकर सारे क्रम से दिए वो कर सकते हैं। करण ने 2 टीवी जो है 910 रुपये में खरीदा है, 2 टीवी, ठीक है ना, 910 रुपये की, कह रहा है एक पर 30% लाभ पर बेचा है और दूसरे पर 30% की हानि पर बेचा है, तो बताओ पूरे सौदे में कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। भैया इस टाइप का सवाल मैंने लाभ हानि में कराया था कि अगर दो वस्तुएं हैं उसको समान लाभ और समान हानि पर बेचा जाए, अगर दो वस्तुएं हैं बच्चों उनको समान लाभ और समान हानि पे बेचा जाता है बच्चों, तो सदैव हमें क्या होती है हानि। क्या कह रहा है, एक को 30% लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को 30% हानि पर बेचता है, तो हमें प्रथम दृष्टिया क्या लगता है बच्चों कि यार दो वस्तुएं हैं, एक को 30% लाभ पे बेच रहा है, दूसरे को 30% घाटे पे बेच रहा है, तो इसका मतलब ना तो इसको लाभ होगा ना हानि होगी, लेकिन वास्तव में इस स्थिति में हमेशा क्या होती है हानि, और हानि प्रतिशत कितना होता है, ये लाभ और हानि का जो प्रश्न दे रखा है बटा 0.0000 9% हानि, ठीक है 9% हानि याद रखें। कहता है दो वस्तुएं, एक को इतना परसेंट लाभ, दूसरे को इतना परसेंट हानि बेचे, पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या होगा, हमेशा हानि होती है, और वो क्या होता है कितना लाभ कितना हानि बटा 100, और हमें लगता क्या है 30 लाभ 30 हानि, तो न लाभ न हानि, ऐसा नहीं है, हमेशा हानि होगी, ठीक है। अभी प्रश्न है भैया निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, इसमें एक चीज याद रखो भैया, हम कोई भी संख्या वर्ग संख्या लेंगे ना तो होगा क्या, हम क्या करेंगे एक इंटू एक करेंगे तो एक आएगा इकाई अंक, पीछे का कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो 3948, अब इसका वर्ग निकालोगे तो किससे गुणा करोगे 3998 से ही करोगे, तो इकाई अंक गुणा होगा कि नहीं होगा बच्चों, कोई भी संख्या है उससे खुद से गुणा करोगे तभी तो वर्ग संख्या आएगी, पीछे वाला अंक अगर एक है तो एक इंटू एक एक आएगा, दो है तो 2×2 = 4 आएगा, 3 है तो 3×3 इकाई अंक 9 आएगा, 4 है तो 4×4 = 16 मतलब इकाई अंक 6 आएगा, 5 है तो 5×5 = 25 इकाई अंक कितना आएगा 5, मैं बात कर रहा हूं इकाई अंक की, पीछे वाले अंक की, 6 है तो 6×36 तो 6, 7 है तो 7×7 = 50 मतलब 9, 8 है तो 8×64 मतलब इकाई अंक 4, 9 है तो 99×81 इकाई अंक 1, तो आप देख सकते हैं वर्ग संख्या जो होगी, वर्ग संख्या में जो इकाई अंक है वर्ग संख्या में, भाई इसके अलावा तो कोई अंक नहीं हो सकते हैं, सबसे लास्ट वाला कोई भी संख्या चाहिए 6 अंकों की और चाहे 10 अंकों की हो, इकाई अंक पीछे या तो एक होगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 9 तक ही होगा, तो इसका मतलब इनका गुणा क्या क्या आ सकता है बच्चों, और 0×0=0 होते ही, खैर इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए, या तो 0 या 1 इसमें आप देखते जाओ, या 4 या 5 या 6 या 9, जिनका इकाई अंक ये है वही तो पूर्ण वर्ग संख्या है। भैया इकाई अंक में क्या होगा किसी भी संख्या की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 0 इन सब का गुणा करो तो इकाई अंक ये आता है 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, ये इसका मतलब जिसका इकाई अंक, इसका मतलब क्या हुआ जिसका इकाई अंक इनके अलावा, इनके अलावा मतलब कौन कौन सा हुआ 2, 3, फिर 7, 8,
वो पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। ये भी नए टाइप का सवाल है, समझना। जिनका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता वह पूर्ण वर्ग नहीं होती, क्योंकि आप देख सकते हैं पूर्ण वर्ग में एक होगा या तो 1 × 1 = 2 होगा, तो 2 × 2 = 2 यही होगा ना, इकाई अंक में तो यही आएंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा, मतलब 2, 7, 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। तो जिस संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 हो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें इकाई अंक 8 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका इकाई अंक 3 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका इकाई अंक 7 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में हमेशा क्या होता है, इकाई अंक पे 1, 0, 1, 4, 5, 6, 9 जिसके इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 होते हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं होती बेटा, ठीक है। अलग टाइप का लेकिन अच्छा सवाल था। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, श्रृंखला है ये, सुनिएगा। 3, 3, 6, 18, 72 ये पहले किससे गुणा किया बच्चों, 1 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 4 से। 3 × 3 = 1, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 4 = 72। 72 × 5 करोगे 360, पहले 1 से गुणा फिर 2 से फिर 3 से फिर 4 से फिर तो 5 से करेंगे। M मतलब 13 होता है, N मतलब 14, 13, 14 दिया भाई है। L मतलब 12 और 15, K मतलब 11 और P मतलब 16, एक एक कम हो रहा है, पहला तो एक एक कम हो रहा है, दूसरा एक एक बढ़ रहा है। पहला तो 13 से 12 हुआ, 12 से 11, एक एक कम हो रहा है, दूसरा एक एक बढ़ रहा है। जे 10 क्यू 17, आई 9 आर 18, तो इससे अगला क्या होगा, 9 से 8 और इधर 18 से 1 19, 8 मतलब क्या हो जाएगा एच, 19 मतलब एस, एच कॉमा एस, ठीक है। पहले में एक एक कम हो रहा है, दूसरे में एक एक बढ़ रहा है। अब ये प्रश्न, जैसे इस टाइप का सवाल भी आपके आ जाता है, कुतुब मीनार कहां है भैया, दिल्ली में, तो रॉक गार्डन कहां है भैया, चंडीगढ़ में, ठीक है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी, खैर जानते होंगे जीके में आप लोग, उसमें रॉक गार्डन है। अब ये प्रश्न है, इसका आंसर बताएं बेटा,
इसका आंसर बताएं आप लोग। इसमें भैया एक गड़बड़ हो रही है, एक ये तो एक चीज नियम फॉलो कर रहा है, इन दोनों का गुणा और ये जोड़ दो फिर इसमें, जैसे ऊपर वाली दोनों का तो गुणा कर दो, 8 × 7 = 56 प्लस 4 कर दो, तो 56 प्लस 4 60 हो रहा है, एक नियम तो इसमें लग रहा है, ठीक है। ये नियम इसमें ये लेकिन शायद मिसप्रिंट है या लग नहीं रहा, जो भी इसमें अगर ये नियम लगाएं तो कितना आ रहा है बच्चों, इसमें लगाएं ये नियम तो कभी 6 × 5 = 30 प्लस 8, तो 30 प्लस 8 कितना हो रहा है 38, लेकिन इसमें ये फिर इसमें नियम नहीं लग रहा, इसमें फिर यहां 22 हो तो दिक्कत है, ठीक है, इसमें 22 हो तो, क्योंकि 9 × 2 = 18 9 × 2 = 18 प्लस 4, तो 18 प्लस 4 कितना होना चाहिए फिर यहां पे 22, और या अगर 22 का डबल यहां 44 कर रहा है कि भैया जो आ रहा है उसका डबल लिख रहा है 44, तो यहां 160 लिखना चाहिए था भैया उसको, मतलब 120 60 का डबल, तो इन दोनों में से एक गलत, तो हम लेकिन इसके हिसाब से मान लेते हैं कि भैया ये आंसर है, ठीक है। तो इसको आप 22 अगर हो तो यहां 22 मान लो आप, ठीक है, तभी आंसर आ जाएगा। अच्छा बात ये भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, वेरी गुड। जरूरी नहीं होता कि हमने जो सोचा वही एक टाइप हो, इसमें कई तरीके से सोच सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड बेटा, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही बताया, हम ये भी तो कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ा, बिल्कुल सही, फिर करेक्ट है बेटा, अगर इसको 22 माने तो करेक्ट है, और ये भी बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया बेटा, दोनों को ऊपर वालों को जोड़ दो और नीचे वाले से गुणा कर दो, तो बिल्कुल आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 11 × 4 = 44, वेरी गुड बेटा। इसमें इसमें दौड़ लो ऊपर वालों को, 8 + 7 = 15 × 4 = 60 आ रहा है, बिल्कुल सही, तो ये दोनों में ही सेट हो रहा है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है बेटा, इसको जोड़ो फिर 6 × 5 = 11 × 8 = 11 × 8, तो फिर इसमें आंसर कितना आ जाएगा 88, वो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, अगर आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है तो ऑप्शन में अपना आपका मैच नहीं होगा, तो ऊपर वाले दोनों को जोड़ के नीचे वाली संख्या से हम लोग गुणा कर रहे हैं। अब ये प्रश्न है लास्ट सवाल इस टेस्ट पेपर का, सॉल्यूशन का, आज की क्लास का, वो करते हैं बेटा। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये जो है ये यहां से यहां आ रहा है, आप देख सकते हैं ये यहां से यहां आ रहा है, ठीक है ना, ये यहां था ऐसे, ये यहां आ गया, तो ये जो यहां है ये इधर जा रहा था, ये यहां से ये यहां आएगा, ठीक है ना, ये यहां आके और ये हो जाएगा, तो कौन सा आंसर होगा भैया, बी फॉर बॉय, ठीक है। इस प्रकार आज का टेस्ट पेपर अपना हल हो गया बच्चों, चलिए आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद, और कल अपना अवकाश रहेगा ही रहेगा, परसों से आप लोगों का थोड़ा रिक्वेस्ट था सब बच्चों का कि सर जीके साइंस भी वापस शुरू करो, तो हालांकि दो बार कोर्स हो चुका है, तो उन सब का वीडियो वगैरह प्लेलिस्ट में आप जाएं और जीके साइंस में तीनों का कोर्स, उनके रिवीजन का कोर्स सारा का सारा यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, वो आप देखें कभी भी, लेकिन फिर भी आपको इसी टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के बहाने आधे आधे घंटे की अभी के लिए वापस क्लास लगा देते हैं, ताकि हालांकि टेस्ट का जवाब तो आपको जीके साइंस में वही मिल जाता है, लेकिन उस सवाल से संबंधित 5-7 लाइनें, भाई महात्मा गांधी का जिक्र आया तो उनका जन्म कब हुआ, वो कहाँ हुआ, वो अफ्रीका कब गए वगैरह वगैरह, वो बता दिया, जैसे जवाहरलाल नेहरू तो वो कब कांग्रेस का अधिवेशन लिया, क्या क्या, इस टाइप से वो चीजें आपको उससे रिलेटेड बताते जाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपका हर सवाल से संबंधित आपका रिवीजन होता रहे। तो आपका जो सोमवार से जो क्लासेज है, ठीक है ना, वो जो गणित की क्लास है बच्चों आपकी, सोमवार से जो गणित की क्लास है, मैं बता देता हूं टाइमिंग, ठीक है ना, आपकी जीके साइंस भी मैंने एक घंटे की जोड़ दी है, जो गणित है, गणित रीजनिंग की क्लास, गणित की क्लास जो है वो 11:45 से 12:45 लूंगा बेटा, 15 मिनट का ब्रेक, फिर जीके प्लस साइंस जो है वो 1 से 2, ठीक है, ये ध्यान दें।
आधे आधे घंटे की जीके साइंस लगा दी टेस्ट पेपर के बहाने और आपको डिटेल से तैयारी करवा देंगे, ये टाइम टेबल है बेटा, ठीक है ना, ये चीज है। और जैसे एग्जाम की डेट वापस आती है हम लोग और टाइमिंग बढ़ा देंगे बेटा, ठीक है। और आपको पढ़ना है तो वो रिवीजन की वो सारी पीडीएफ उस पर डाल रखी प्लेलिस्ट पे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।